हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली बंगाली स्टाइल पाप द तेल छाल की रेसिपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पाप द फिश लिया है, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं ऐड करूँगी हाफ स्पून हल्दी, एक चम्मच नमक देकर दोनों साइड से अच्छे से लगाकर इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने दूंगी। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है। तेल गर्म होते ही फिश को इसमें हम दे देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए फिश को हम पलट पलट के 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। वैसे तो आप सभी ने बहुत से टाइप से बना के खाए होंगे, इस टाइप से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फिश अच्छे से फ्राई हो चुके, इसको हम प्लेट में उतार लेंगे। नेक्स्ट बॉल में ले लें 3 हरी मिर्ची, 1 इंची अदरक, 1 चम्मच जीरा, इन सभी को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब सेम तेल में दे दूंगी 1 चम्मच काला जीरा। कुछ सेकेंड बाद हम लोग जो अदरक मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो इसमें दे देंगे। देखिए हल्का तो से चलाते रहेंगे मसाले के स्मेल जाने तक। मसाले के स्मेल जा चुके, मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। ऐसा करने से क्या होता है, फूड में अच्छा कलर आता है। अब मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी। पानी में मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए नमक देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें बबल्स आने देंगे। 1 से 2 मिनट बाद देखेंगे जब बबल्स आ चुके हैं तो फ्राई किए हुए फिश में दे देंगे। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। फिश को हम 2 मिनट के लिए कुक होने लग देंगे। ये देखिए 2 मिनट बाद अच्छे से फिश हमारी कुक हो चुकी है, इसको हम सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी बंगाली स्टाइल में पाप द तेल झाल की रेसिपी। इसे आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।